हेलो गाइस, मैं एमडी मुजफ्फर हुसैन। हमारा यूट्यूब चैनल एसीआई एडुटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग कैनन का एक प्रिंटर है जिसका मॉडल नंबर है G2010 यानी 2010। गाइस, ये हमारा मॉडल नंबर है, आप देख सकते हैं। आज हम लोग ये न्यू पीस है, इसको इंस्टॉल करना हम लोग सीखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के लिए हमारा सील है, इस सील को खोलना पड़ेगा। कोई किसी भी चीज़ से आप खोल सकते हैं, नाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये टूल है, टूल का हमने इस्तेमाल करके इसको ओपन किया। तो गाइस, ये हम ओपन किए, आप देख सकते हैं ये हमारा न्यू पीस कैनन का प्रिंटर है। तो गाइस, इसे पावर केबल बोलते हैं। तो गाइस, प्रिंटर को पावर देने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए इस केबल का उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद गाइस, ये सीपीयू के साथ, ये इसको यूएसबी केबल बोलते हैं, ये केबल सीपीयू के साथ प्रिंटर को अटैच किया जाता है। तो गाइस, इसको हम अलग से सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा थर्मोकोल है। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये थर्मोकोल में ये इंक का बोतल है। ये बेसिक कलर है आपका, येलो है। उसके बाद गाइज, ये आपका मैजेंटा है। उसके बाद ये आपका सियान है। तो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे सी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, दैट मीन्स येलो। उसके बाद ये एम फॉर मैजेंटा। तो गाइज, ये थ्री कलर, ये ट्री कलर बेसिक कलर है, इसी से कलर प्रिंट होता है गाइस। इसको भी हम सेपरेट कर देते हैं, बाद में हम लोग प्रिंटर में इंक डालना सीखेंगे। तो गाइस, ये ब्लैक इंक का बोतल है। तो गाइस, बी के लिखा हुआ है, दैट मीन्स ब्लैक कैनन का है। ये ओरिजिनल पीस है, इसके साथ ही आता है। तो इसको भी हम सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद गाइस, ये हमारा दो कार्ट्रिज है, ये देख सकते हैं। इसको प्रिंटर के अंदर हमें इंस्टॉल करना होता है, इसको ओपन करके। तो गाइस, ये दो है, ये आपका एक ब्लैक होता है और एक कलर होता है। तो इसको भी हम निकाल करके सेपरेट कर लेते हैं, और ये थर्मोकोल को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो गाइस, इसको भी हमने सेपरेट किया और ये थर्मोकोल सेपरेट कर देते हैं और इसको अनबॉक्स कर देते हैं। तो गाइस, इसको अनबॉक्स हम इस प्रकार कर सकते हैं, बॉक्स को हटा सकते हैं। तो गाइस, ये हमारा, इसको भी हम लोग बाहर कर देते हैं। गाइस, बाहर कर दिए, ये थर्मोकोल भी हम लोग निकाल देते हैं। ये हमारा थर्मोकोल निकल चुका है। उसके बाद गाइस, ये देख सकते हैं आपके बॉक्स के साथ ये मैनुअल आता है, मैनुअल शीट। आप देख सकते हैं कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे, इसमें भी ये आपका गाइडलाइन है। तो गाइस, इस गाइडलाइन का उपयोग करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस, इसको अलग से रख देते हैं। उसके बाद ये सीडी है गाइस, प्रिंटर के साथ कंप्यूटर को, ये सॉरी, कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच करने के लिए हमारे पास ये सीडी होती है, ड्राइवर की, ये सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर में ये ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है, ये प्रिंटर का ड्राइवर है। तो कहने का मतलब है कि ये इस सीडी में G2010, 2110, 2210, 2410, 2410 जैसे मॉडल का ड्राइवर मौजूद है, और इसी सीडी से इतने मॉडल्स के प्रिंटर का ड्राइवर हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस, इसको भी अभी सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी प्रिंटर का इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। सबसे पहले हम लोग प्रिंटर का इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके बाद प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए ये ड्राइवर सीडी का हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इसको सेपरेट करके रखते हैं। तो गाइस, ये हमने अनबॉक्सिंग किया है। उसके बाद ये प्लास्टिक कवर को हम लोग निकाल लेते हैं अपने सुविधा अनुसार। ये प्लास्टिक कवर हम लोग निकाल लिया। उसके बाद
ठीक है गाइस, इसको हम आगे से लेते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं ये फ्रंट साइड है और इस ये आपका इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं और यहाँ से पकड़ते हुए इस स्टिकर को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो गाइस इसको साइड में रख दिया जाए तब तक, और उसको इस तरह से आप देख सकते हैं ये स्कैनर है। और तो गाइस यहाँ से हम इसको निकालते हैं और इसको इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो गाइस इसको अब अप कर सकते हैं इसको इस तरह से। तो गाइस इस तरह से ये अप हो जाता है, आप देख सकते हैं। और ये इसमें हमको तो गाइस इसको दबाते यहाँ पुश करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है एरो का, और यहाँ पे पुश करना है। और ये जब जो ही आप इसको पुश करते हैं ये उड़ जाता है, अप हो जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सियान और ये ब्लैक, यानी ये कलर है C4 कलर और B4 ब्लैक। तो दो कार्टेज है हमारे पास, ये ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद था। तो गाइस ये B है, आप देख सकते हैं ये B और ये C। C को C के जगह पे डालना है और B को B के जगह पे डालना है। तो गाइस इसको हम खोलेंगे, पहले खोलते हैं ये एरो है, आप देख सकते हैं एरो के तरफ से इसको हम खोलने की कोशिश करेंगे। ये खुल चुका है, तो गाइस ये खुल चुका है और इसका हम सील तोड़ेंगे, ऐसे ऐसे हम इसका सील तोड़ेंगे, आप देख सकते हैं ये सील टूट चुका है। अब हम इसको C के जगह पे लगाने की कोशिश करेंगे। गाइस ये सील होता है, इसको निकालना है, जो भी इसको निकालते हैं आप इसको ऐसे ओपन कर लीजिए, उसके बाद C4 ये सी लिखा हुआ है और सी को सी के जगह पे डालना है, ये लग चुका है। और B4 के जगह पे डालना और ये लग चुका है। तो गाइस उसके बाद आपको इस तरह से प्रेस कर देना है, उसको ये दो बटन आपको प्रेस करना है, दो बटन आपको प्रेस कर देना है। तो गाइस इस तरह से हमारा दो कार्ट्रिज C के जगह पे और B के जगह पे इंस्टॉल हो चुका है। और आप इसको इस तरह से फिर बंद कर सकते हैं, ये बंद हो चुका है गाइस। उससे उसके बाद गाइस हमको यहाँ पे इंक फिल करना है, यहाँ पे इंक फिल करना है। तो गाइस हमारे पास इंक का बोतल मौजूद है, हम इंक फिल कर रहे हैं, देख सकते हैं ब्लैक डालते हैं पहले और पूरा बोतल हमको डालना है। तो गाइस ये पूरा बोतल हमको डालना है, आप देख सकते हैं इसको इस तरह से खोलेंगे। और खोलने के बाद ये देखते हैं खुल चुका है सील, और इस ढक्कन को इस कैप को उठाएंगे और इसको इस तरह से डालेंगे। तो गाइस ये इंक टैंक के अंदर भर रहा है, अब थोड़ा पुश करके जल्दी गाइस अब देख सकते हैं ये खाली हो चुका है। अब इसको हम कैप को ऑफ कर देंगे, लगा देंगे इसको प्रॉपरली, हम लगा देंगे गाइस इसको, इस कैप को हम डालते हैं, इसको हम बाहर फेंकते हैं। उसके बाद गाइस ये मैजेंटा है, ये सियान है, तो हम सियान से शुरू करते हैं। ये हमारा सियान है और सियान को हमने ये कट का मार्क्स है, इस तरह से हम इसका पैकिंग को खोलते हैं और ये कैप इसका इस तरह से खुलता है और हम इस कैप को इस तरह से उठाते हैं और इस तरह से फील करना शुरू करते हैं। वैसे इस तरह से ये खाली हो चुका है, आप देख सकते हैं ये बोतल खाली हो चुका है। उसके बाद इसको प्रॉपरली लगा देते हैं, ये लग चुका है। अगेन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा मैजेंटा है और ये यहाँ पे भी मैजेंटा लिखा हुआ है, इसका पूरा ख्याल रखें और मिस फील ना हो जाए। इसको करते हैं और इसके कैप को निकालते हैं, कैप निकल चुका है, इसके भी कैप को हम निकालते हैं
और फिर फील करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ये वाला येलो, येलो को डालते हैं इस तरह से, इसको भी खोलते हैं और इसको भी हम लोग डालते हैं। आप देख सकते हैं पुश करके गाइस हमने जल्दी कर दिया इसको, ये फिल हो चुका है। अब आगे के प्रोसेस के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको प्रॉपरली लगा देंगे ताकि इंक बाहर ना लीक हो। तो गाइस अगर बाहर इंक लीक होता है, लीक हो चुका है गाइस, और इस कैप को लगा देते हैं इस तरह से, लगाते हैं और इसके कैप को इस तरह से लगाते हैं। और गाइस अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है प्रिंटर को पावर देना। गाइस ये टैग को हम खोलते हैं, ये हमारा टैग खुल चुका है और ये पावर केबल है, ये प्रिंटर में जाएगा और ये एक्सटेंशन बोर्ड में जाएगा। तो गाइस हम लोग लगाते हैं इसको, लग चुका है और ये यहाँ पे आ चुका है और ये पावर बटन गाइस इसको ऑन करेंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए उसको प्रोसेस होने के लिए छोड़ देंगे। गाइस ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगा और हम तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्क्रीन में ये राउंड 0-0 तब तक आएगा जब तक फुल्ली प्रोसेस ना हो जाए। जो ही 1 यहाँ पे शो करेगा तो इट मीन्स आपका प्रिंटर चलने के लिए, रन होने के लिए ओके हो चुका है। तो गाइस अभी 10 मिनट इसको हम छोड़ देंगे और ये पेपर हम इस तरह से A4 साइज पेपर हम इस तरह से डाल सकते हैं। तो गाइस इसको यहाँ पे रख सकते हैं और इसको यूं ही अभी छोड़ दिया जाए। आवाज़ आ रही है और ये 10 मिनट लगता है पूरा प्रोसेस होने में, 10-15 मिनट। हेलो गाइस, जो ही जब कंप्यूटर को पावर देने के बाद थोड़ी देर के लिए प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पे 0 शो करेगा। जो ही यहाँ पे 0 शो करेगा तो कोई ये ब्लैक बटन या कलर बटन में से कोई एक बटन को जब आप प्रेस कर देते हैं तो ये प्रोसेस होना प्रिंट के लिए शुरू कर देता है और ये फिर 10-15 मिनट इसको इसका पूरा प्रोसेस होने में समय लगता है। और जो ही 1 यहाँ पे शो करेगा तो आपको प्रिंट आ जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रोसेस होगा गाइस और प्रोसेस करने के बाद हम लैपटॉप यहाँ पे लगा चुके हैं और इसके साथ इनको कनेक्ट करेंगे और इसका USB केबल गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, ये USB केबल है और लैपटॉप के साथ हम इसका कनेक्शन करेंगे। और उससे पहले हम ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। ये जो CD है, ये CD हमको इसमें इंस्टॉल करना है। तो गाइज अनफॉर्चुनेटली इस लैपटॉप में CD ड्राइव नहीं है तो वैकल्पिक व्यवस्था हमको करना पड़ेगा, दूसरे लैपटॉप से इस CD को कॉपी करके पेंड। गाइज जिस लैपटॉप में हमको प्रिंटर इंस्टॉल करना था उसमें CD ड्राइव नहीं होने की वजह से हमको वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में दूसरा लैपटॉप का इस्तेमाल करना पड़ा, तो इसलिए हमने कॉपी करके रखा है इसको और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे हमने कॉपी करके रखा है और पेन ड्राइव में इसकी कॉपी कर चुके हैं और पेन ड्राइव को निकाल लेते हैं। उसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर हम पेन ड्राइव में
कॉपी कर चुके हैं। अब इसको हम ट्रांसफ़र जिस लैपटॉप में हमको प्रिंटर को इंस्टॉल करना है उसमें करेंगे। तो गाइस देख लेते हैं, और साथ ही साथ गाइस हमारा प्रिंटर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये वन का ऑप्शन आ रहा है। तो गाइस जो ही ये 10 या 15 मिनट प्रोसेस के बाद जीरो जो ही शो करेगा तो हम कोई भी बटन ब्लैक या कलर बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद ये 10-15 मिनट प्रोसेस होने में लगेगा। प्रोसेस जो ही कंप्लीट होगा तो गाइस स्क्रीन में वन आपको शो करेगा। ये वन डिजिट यानी एक नंबर आपको शो करेगा। जो ही एक नंबर शो करेगा तो इसका मतलब ये होता है कि आपका प्रिंटर कॉपी होने के लिए या प्रिंट होने के लिए रेडी हो चुका है। तो गाइस हमारा प्रिंटर रेडी हो चुका है। एक बार हम लोग इसको स्कैन करके देखते हैं। कोई एक कॉपी लेते हैं और उसकी स्कैनिंग करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इसी की कॉपी हम लोग लेते हैं और इसको स्कैन करके देखते हैं। तो गाइस कलर स्कैन करते हैं, हम कलर बटन को प्रेस करेंगे और कलर ये स्कैनिंग कर रहा है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमारा प्रिंटर प्रिंट ले रहा है और रेडी हो चुका है। तो गाइस अब हमको प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ अटैच करना है। तो ये यूएसबी केबल है, ये यूएसबी केबल हम प्रिंटर और कंप्यूटर लैपटॉप प्रिंटर को लैपटॉप के साथ अटैच कर देंगे। तो ये यूएसबी केबल हम लगा रहे हैं। गाइस ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, और सेकंड गाइस हम यहीं पे रख देते हैं इसको अपने सुविधा अनुसार। आप देख सकते हैं ये प्रिंट निकल चुका है। तो गाइस ये प्रिंट निकल चुका है, आप देख सकते हैं प्रिंटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हमको कंप्यूटर के साथ यानी लैपटॉप के साथ इस प्रिंटर को अटैच करना है। तो गाइस हम यूएसबी केबल यहाँ पर लगाते हैं। ये यूएसबी केबल लग चुका है और यहाँ पर हम प्रिंटर केबल लगाते हैं। तो गाइस अब हम और ये हमारा पेन ड्राइव है। तो गाइस आप अपनी पेन ड्राइव ढालेंगे और आप स्क्रीन पे नज़र डाल सकते हैं, और हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से समझ सकें। तो गाइस हम अब इसको इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल तो गाइस दिस पीसी को ओपन करेंगे और पेन ड्राइव में जाएंगे। ये हमारा पेन ड्राइव है, मेरे नाम से पेन ड्राइव है, और यहाँ पे हमने कैनन का फोल्डर बना रखा है और ड्राइवर, और ये सेटअप फोर चला देंगे। तो गाइस जो ही सेटअप चलाएंगे उसका सेटअप चलाने के लिए परमिशन मांगेगा, हम यस कर देंगे और ये आगे प्रोसेस होगा। और स्टार्ट सेटअप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये ऑन हो रहा है, चेकिंग द आइटम, और ये स्टेप दे रहा है 2 of 11, यानी 11 स्टेप उसको कंप्लीट करना है। कुछ ही मिनटों में वो 11 स्टेप कंप्लीट करेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट का ऑप्शन देगा। तो गाइस आप देखेंगे गाइस 11 स्टेप कंप्लीट होने के बाद ये नेक्स्ट का ऑप्शन आया, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कंट्री और रीजन आपको सेलेक्ट कर देना है। एशिया कंटिनेंट में हम लोग, और ये कंट्री हमारा इंडिया है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और यहाँ पे नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे और यस दबाएंगे और एग्री करेंगे। ये एग्रीमेंट है गाइस, एग्रीमेंट को पढ़ना नहीं पढ़ना, एग्री कर देना है। के बाद फिर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। गाइस नेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है, और ये इंस्टॉल होने के लिए तैयार है, यानी इंस्टॉल हो रहा है। और ये टोटल इसकी जो कैपेसिटी है 83 MB की है, और 83 MB इसमें डाउनलोड होगा आपके पेन ड्राइव से लैपटॉप में।
उसके बाद ही ये फिनिश यानी फिर कनेक्शन के लिए ऑप्शन देगा। हेलो गाइस, जो ही ये 83% डाउनलोड हो जाता है तो इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाता है। इंस्टॉलेशन के बाद कनेक्शन के लिए रिक्वायर्ड करता है, हम यूएसबी देख सकते हैं, ये यूएसबी केबल है और लैपटॉप में हम कनेक्ट कर रहे हैं, लैपटॉप से प्रिंटर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं और ये साइज ऊपर होगा और ये कनेक्ट हो चुका है गाइस, आप देख सकते हैं स्क्रीन में प्रोसेसिंग अगेन शुरू हो चुका है, प्रिंटर कनेक्शन, द प्रिंटर इज डिटेक्टेड, प्लीज वेट अंटिल द इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, दिस मे टेक सम टाइम। तो गाइस ये नेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है, ये अलाइनमेंट सेट होगा, प्रिंटिंग अलाइनमेंट, और ये स्टार्ट करेंगे गाइस टेस्ट पेज, तो ये प्रिंट टेस्ट आ जाएगा, पहले देख सकते हैं। तो गाइस ये हमारा प्रिंट टेस्ट पेपर निकल चुका है, तो डबल हमने प्रेस किया था इसलिए ये डबल आ चुका है, आप इस तरह से देख सकते हैं हमारा प्रिंटर रेडी हो चुका है और नेक्स्ट करके उसको फिनिश के बाद यूज़र मैनुअल यानी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट इस प्रिंटर के साथ आता है, तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो गाइस हम कर लेते हैं, कभी ज़रूरत पड़ जाता है इसलिए। तो हमारा प्रिंटर इंस्टॉल हो चुका है, इस प्रकार आप ये सॉफ्टवेयर नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कुछ समय लगेगा यानी आपका हमारा प्रिंटर इंस्टॉल हो करके रेडी हो चुका है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप एक न्यू प्रिंटर को अपने कंप्यूटर के साथ यानी कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसको अनबॉक्सिंग कैसे करेंगे, मैं जैसा कि आपको मैंने करके दिखाया, तो मुझे उम्मीद है कि आप सीख ही गए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें गाइस। थैंक यू।